नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों में रिजल्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता ये है कि वो अपने मार्क्स कैसे जाने, उन्होंने अपना रोल नंबर देख तो लिया है कि उनका लिस्ट में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कितने नंबर उनके कम पड़े, अगर है तो कितने नंबर वो लोग पाए हैं, ये सभी चीज़ें जानने की काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँ कि आप अपने मार्क्स कैसे जान सकते हो। पूरी वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा आपको ये बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन में क्लिक कर लीजिए, क्योंकि CVT 1 का रिजल्ट तो आ गया लेकिन CVT 2 की तैयारी अगर आप नहीं करोगे तो अभी सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन पाने के लिए अभी CVT 2 यानी कि जो बड़ा चीज़ है वो अभी तो बाकी, आपने तो अभी पहला जो स्टेज है वही क्लियर किया है। तो इसके लिए आपको तैयारी के लिए पूरा चैनल जो आपके साथ एकदम अच्छे से लगा हुआ, आप अपने अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए। और हम उन्होंने लगातार प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आके आ गए हैं, धमाका प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अनएकेडमी मैंने कई सारे कोर्सेज पहले से ऑलरेडी बना रखे हैं CVT 2 के लिए, आप वहाँ से जाकर सभी के सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। कुछ एक वीडियोज़ के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। कई सारे बच्चों ने अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर किया और मुझे कहा है सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को, लेकिन मेरे वजह से नहीं हुआ, सब आप ही का है, अगर आपने मेहनत ना किया तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता, लेकिन आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करी। तो मैं आपको कुछ बच्चों के मार्क्स दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स इस तरीके से निकलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बच्चे ने जो है ये 33 नंबर ये बच्चा पा रहा है कुल मिला के 75 नंबर्स ने, लेकिन RRB में जो निकाला हुआ है वो 100 नंबर्स में से, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो 100 नंबर्स में आया हुआ है, आपको ये ध्यान देना है। ये 75 में से 33 नंबर पा रहा था, यानी कि 33 नंबर इसका एक्यूरेट आ रहा था, लेकिन RRB ने जब ये निकाला कि 100 नंबर में से ये कितना पा रहा तो इसने कितना आया, इसका 45.2 नंबर आया, और नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके कुल नंबर होगा लगभग 59 के आसपास। जोन इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बताता चल रहा हूँ कि पहले आप देखते चलिए सारी चीज़ें, फिर आपको मैं अभी पूरे डिटेल से और भी सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन ये सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं है, लेकिन ये देखिए ये 59 नंबर पाने के बाद भी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा 75 में से 59 नंबर पाया फिर भी क्वालिफाई नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आप सबको, जो कट ऑफ आई है दोस्तों वो 100 नंबर में से आई है, यानी कि वो परसेंटेज वाली कट ऑफ है, ना कि कट ऑफ आपकी ऐसी है कि आप 75 में से लेके आ रहे हो। कल मैंने देखा बहुत सारे लोग भी ये कह रहे थे, मैंने खुद भी कल बोल दिया था गलती से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये कट ऑफ जो है ये 100 नंबर में से आई है, इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला नंबर हुआ है वो आपके इस 75 वाले पे नहीं हुआ है, ये 45 वाले पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि इतने बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर पढ़ना मुश्किल है थोड़ा सा, और हर एक जोन का इतना बढ़ाना ये काफ़ी मुश्किल है, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप अगले बच्चे का देखो, ये देख सकते हो आप कि इनका ये 28 नंबर पा रहा था बच्चा 75 में से, यानी 75 में से 28 नंबर इसने कहा कि सर मैंने जोड़ा था, लेकिन जो ये चीज़ें हैं, फिर इसका जो 100 में से जब देखा गया तो वो नंबर इनका 39 यानी कि लगभग 40 के आसपास हो रहा था। नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 4 नंबर और उसका बढ़ा, लेकिन फिर भी इसने क्वालिफाई नहीं कर पाया ये सेकंड स्टेज के CVT 2 के लिए। और भी मैं आपको दिखाता हूँ जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे मैं आपको इनका दिखाता हूँ, इरशाद हुसैन जी हैं, इनका देख लीजिए आप लोग, ये 34 नंबर पा रहे थे 75 में से ये 34 नंबर पाए थे, लेकिन RRB ने नॉर्मलाइजेशन किया इनके मार्क्स में, ठीक है, इनके मार्क्स में हुआ नॉर्मलाइजेशन, और जब इनका ये 100 में नंबर देखा गया तो ये 100 में 45 नंबर पा रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका आ गया लगभग 55-56 नंबर, और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन इसी तरफ आप ये देखिए, ये 63 नंबर ये पा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेकिन फिर भी ये नॉट क्वालिफाइड है, क्यों, क्योंकि इनका जोन कुछ और होगा, यानी जिस जोन से इन्होंने फॉर्म भरा होगा वहाँ पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई हो, यानी कि 69 के आसपास कट ऑफ गई हो, क्योंकि 100 में से कट ऑफ है। कल मैंने देखा कुछ टीचर भैया इतना ज़्यादा वो कर रहे थे कि भैया 75 में से 70 नंबर कैसे कट ऑफ जा सकते, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ ये 75 जो है ये 100 में से कट ऑफ गई है। आज के RRB ने आज कन्फर्म ही कर दिया है कि भैया देखिए ये 100 उन्होंने निकाला हुआ कि 100 मार्क्स में से ये आपका इतना रेटेड बन रहा है मार्क्स, यानी इतना परसेंटेज आपका 100 में से बन रहा है, अब उस पर नॉर्मलाइजेशन होगा। इस बच्चे का कोई भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बढ़ा है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, या फिर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, और ये चीज़ हर कोई दावे के साथ कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन बाद मार्क्स घटेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये कोई गारंटी नहीं है, ना ही मेरी तरफ से, ना ही RRB की तरफ से, और ना ही किसी भी टीचर, किसी भी यूट्यूबर्स और किसी भी चीज़ की उसे गारंटी नहीं है कि मार्क्स आपका बढ़ ही जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो इस स्लाइड में आपका जो है 45 से 55 नंबर हो गया मार्क्स, लेकिन यहाँ पर मार्क्स बढ़ा बिल्कुल नहीं, मार्क्स बढ़ा, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं सबकी सभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास भेजे हुए हैं, उनका मैं आप सबको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये बच्चा जो है ये 42 नंबर पा रहा था 75 में से, 59 नंबर इसका हो गया 100 में से, और उसको 59 को उसको चेंज किया गया तो 63 होगा, इसने क्वालिफाई कर लिया, इनका 49 आ रहा था क्योंकि ये कुल मिला के 30 के आसपास पा रहे थे, तो इनका कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हुआ,
इसी तरीके से आप देख सकते हो बहुत बच्चे ने मेरे पास भेजे हुए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देख लीजिए इस बच्चे का जो 64 नंबर आया है उसके बाद भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन इस बच्चे का 59 नंबर आने के बावजूद ही बच्चा क्वालिफाई हो गया है। तो ये जोन का फ़र्क है। अभी मैं आपके लिए एक वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ, जल्दी से मेरे पास वीडियो आ रही है, उसमें मैं आपको ये बता दूंगा किस जोन की कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा गई है और किस जोन की कट ऑफ सबसे कम गई है। तुम उन चीज़ों के हिसाब से आप समझ सकोगे कि आपने, अब ये मत पछताइएगा कि आपने अगर उस जोन से भरा होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता, ये कहना आपके लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन आप यहाँ देख लीजिए कि इस बच्चे का 64 पॉइंट समथिंग नंबर बना था, क्या नॉमिनेशन के बाद कुछ नंबर बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि इसके फील्ड में नॉमिनेशन हुआ ही नहीं, इसके जोन में नॉमिनेशन हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सब कुछ RRB के हाथ में है, सब कुछ RRB जाने, क्योंकि ये रिजल्ट इतनी बड़ी मात्रा में निकली है। आप सोच सकते हो एक एक जगह का रिजल्ट जो है वो जो कट ऑफ है वो कितने ज़्यादा कट ऑफ मतलब निकाला है इन्होंने, कितनी ज़्यादा चीज़ों की लेवल, 30 से 35 इन्होंने फील्ड में कट ऑफ निकाली हुई है। तो उसको कुछ भी नहीं कोई कह सकता, क्योंकि इतने सारी चीज़ों का एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है किसी भी और एक आध बंदे के लिए, क्योंकि ये RRB के हाथ का ही है। क्योंकि रेलवे तो आपको पता है काफ़ी बड़ी चीज़ है और उसमें सब चीज़ें करना मुश्किल ही है। अब देखिए मैं आपको जो मेन चीज़ वो बताता हूँ कि आप अपने नंबर कैसे जानोगे, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर इलाहाबाद जोन की। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि इलाहाबाद जोन की वेबसाइट जो आप देख सकते हो, इलाहाबाद से मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इलाहाबाद मैंने खोला वो खुल गई, बाकी सारी वेबसाइटें खुल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने आपको इलाहाबाद का दिखा दिया। अब देखिए इलाहाबाद जोन में आप यहाँ पे कई सारे नोटिस देखोगे जो 2 तारीख को आई हो, लगातार कई सारे नोटिस आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारे नोटिस हैं। इसमें आपको एक बताया गया कि 12 से 14 दिसंबर आपका पेपर होगा। फिर लॉग इन करके यहाँ पे देखिए आप लिखा भी है, द लिंक फॉर कैंडिडेट लॉग इन टू व्यू देयर स्कोर एंड मास्टर QP विद फाइनल की, तो अपना स्कोर देख सकते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया किस वाले पे, ये सेकंड वाले पे, जो इलाहाबाद के बच्चे हैं उनका ये क्लिक होगा। जब मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया तो इस तरीके का स्लाइड खुला और यहाँ पे देखिए कंप्लीट चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, अपना तुरंत यहाँ पे डालोगे कैप्चा कोड और आपका खुल जाएगा तुरंत ये प्रोफाइल, पूरा कंप्लीट चीज़ आपको खुल जाएंगे, तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आनी है। एक चीज़ और बता दो दोस्तों, मैंने CBT 2 के लिए अपने चैनल पर शुरू कर दिया है तैयारी, आप उसको देख लीजिए, लगातार बहुत सारे मैं कोर्सेज लेके आ गए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोग CBT 2 के लिए मैंने MD क्लासेस चैनल, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, उसको मैंने खोल के रखा हुआ है और धमाका प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दी है। ये धमाका प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिस सेट 1 है, कल जो अपलोड हुआ था, प्रैक्टिस सेट 2 आज अपलोड होगा, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगी। 2012 में असिस्टेंट लोगों के बारे में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं, CBT 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा बच्चों तो तुरंत देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ, मैथ में आप जो क्वेश्चन आपने जो गलती करा है, जो मैथ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए थे, वो सभी चीज़ें अब आपको समझ में आने लगेंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस प्रैक्टिस सेट में, तुरंत सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग तुरंत आ जाइए प्रैक्टिस सेट में। काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल काफ़ी हाई तक लेके जाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेंगी। अब इसके बाद मैं आपको कुछ जोन की कट ऑफ दिखा देता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। जैसे कि मैं आपको कुछ जोन की कट ऑफ यहाँ दिखा देता हूँ, पूरे के पूरे मैं आपको लैपटॉप ही दिखा दे रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप में आप सबके लिए, बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें मैंने अपने सजा के रखी हुई कि भाई बच्चे देखेंगे। तो देखिए ये खुल गया आपका मुंबई का, क्योंकि मुंबई की मेरे पास कई सारे बच्चे पड़े हुए थे, तो मुंबई का कट ऑफ खुल गया। यहाँ पर देख सकते हो आप, जब कट ऑफ मुंबई का देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रही हैं। जब हम बात करेंगे PCM ग्रुप की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि PCM वालों का कट ऑफ कितना गया, तो 134 और 136, आपको पता है ये 2 ग्रुप है PCM के, ये गया 62 और 61 नंबर, 62 और 61 नंबर। तो ये आप देख सकते हो कट ऑफ हाई नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 100 में से कट ऑफ उन्होंने निकाली है और कोई दिक्कत नहीं, इतनी कट ऑफ आराम से जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियोज़ थी, ये आपको पता है सारी चीज़ें आप देख सकते हो, अपने अपने RRB में जाइए और ऑफिशियल जो आपका RRB वहाँ पे जाइए, इस तरीके का आप में भी 4-5 दिखाई देते हो। अगर मैं देखता हूँ जरा कि क्या मुझे RRB, अगर मैं कहानी मैं मुंबई खोलता, अगर मैं RRB मुंबई खोलता हूँ तो क्या मुंबई RRB खुलती है या नहीं खुलती है, उसको मैं आपको एक बार देख लेता हूँ। अगर खुल जाएगी RRB मुंबई तो फिर ठीक है, तो फिर आपकी सारी स्लाइडें खुल जाएंगी, क्योंकि मुंबई वगैरह में ज़्यादा भीड़ है, मालदा वगैरह में ज़्यादा भीड़ है, इलाहाबाद में भीड़ था लेकिन इलाहाबाद खुल गया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि सारी चीज़ें आपकी आराम से क्लियरिटी हो जानी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बस पढ़ाई करिए CBT 2 के लिए। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको एक चीज़ और बता दूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, तो उनको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि वो करेंगे क्या, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 6307536336 और इस पर अपना इस तरीके जो मार्क्स है ना वो सेंड कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की है तो आप कुछ भी चैनल के बारे में भी लिख सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।